तमाम बदलेंगी अपना हेयर स्टाइल। बहुत प्यारा था, है ना? डॉग शो के बाद हाँ, एक बहुत ही मजेदार देखेंगे। तो आपके सामने आने वाली है इस शो की पहली पार्टिसिपेंट, और हम सब देखेंगे एक साथ उनका वीडी। ये बताइए कि आप अगर मेकओवर करेंगी तो कैसा दिखना चाहती हैं? हाँ बताइए बताइए। मैं नोरिका जैसा दिखना चाहती हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल। कि ये मेकओवर के बाद कैसी दिखती है, ये है आपके सामने। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बड़ी हैरानी की बात है ये। इसका मतलब आप बहुत थकी हुई हैं मॉम, है ना? वेलकम बैक मॉम। ये तो मुझे कहना चाहिए। इनके मेकओवर में जिनका हाथ है उनका नाम है साटो टाकी, और वो आज हमारे साथ। अरे मॉम, आप एड्रेस क्यों नोट कर रही हैं? कहीं आप भी तो इनकी तरह नहीं बनना चाहती? जरूर ऐसा ही है। मेरी मॉम टीवी वाली आंटी की तरह नहीं बनना चाहती है। इसकी बातों पर मत जाइए प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टाइल बदलना चाहती है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या गड़बड़ होने वाली है? नहीं बस मुझे ऐसा लग। अंदर जा सकती है क्या? आप तैयार है? जरूर। तुम किड्स प्ले एरिया में जाकर मेरा इंतजार करो। अरे पर मुझे बहुत चिंता है आपके साथ, पता नहीं अंदर क्या हो। तो मुझे लगता था कि मामून से कभी ये बात नहीं बोल पाएंगी। प्लीज मुझे ठीक से बताइए कि आप दिखना कैसा चाहती हैं मैडम। जी वो नोरी नोरी। अरे मम, वो एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल कैसा रहेगा? नोरी का फुजीवारा। उसका हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा ना? क्या मतलब? कह तो रही हूँ, नोरी का फुजीवारा का हेयर स्टाइल। आप कहना नोरिका की तरह बना दीजिए। मेरी मॉम को दरअसल अपने बारे में ज्यादा ये लड़का भी ना ब्यूटी पार्लर में इतनी जोर से बोल रहा है। चुप रहो बेटा। आप प्लीज नोरी। डैड को तो आज बहुत मुश्किल में फंस गया था। क्लाइंट से मीटिंग के वक्त कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या करता, मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन सब कुछ फिर से सही करने में पूरा दिन। आप शावर लेना चाहेंगे? नोरी का फुजीवारा। ये बात आप मॉम से ही क्यों नहीं पूछ लेते? अरे ये तुमने क्या कर डाला मित्सी, बताओ मुझे। मैं खूबसूरत नहीं लग रही क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तुम क्या कह रहे हो शिनचान? लेकिन एक और बात भी तो है कि बार्बर शॉप से लेकर घर तक पूरे रास्ते हिमाबारी रोती हुई आई थी, ऐसा क्यों? मुझे पता है डैड, बालों को ब्राउन करके फैशनेबल दिखना तुम है। ऐसे ही ठीक लगते हो, समझे? चलो हो गया, अब उठो। एक काम करने के बाद अब समय है आराम करने का। अब तुम सफाई। इनका हेयर स्टाइल सच में कितना अच्छा है। ये इसने किया है। मेरे प्यारे जादू की छड़ी, जल्दी से प्रिंसेस को मैजिक दिखाओ। ये मैंने टीवी में देखा। प्रिंसेस के बहुत बड़े फैन हो। वो बात क्या? मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। कजामा अब तुम्हारी बारी। हाँ। नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। बहुत ही बोरिंग मजाक था। ओ, मैं प्रिंसिपल सर हूँ। वाह क्या बात है मसाओ। मैं तो हैरान ही हो गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक्टिंग का टैलेंट है। टैलेंट? मेरे पास काम की तरह एक्टिंग करूं? जल्दी। मैं तो हमेशा महंगे ब्रांड्स के ही कपड़े खरीदती हूँ। महंगा भी हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अब इसमें मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। एक्सक्यूज मी मत्सुसाका मैम, अभी नहीं बदल सकती। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल आंटी की तरह है, और तुम में कोई अच्छा टैलेंट भी नहीं है। तुम्हें कौन सा टैलेंट है? क्या तुम अपने मुंह पर इतना ज्यादा मेकअप? सॉरी, मैं एक्टिंग में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था। योशिनागा मैडम, तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे इतना ज्यादा जलती हो। वो शायद आपको गलत फहमी हो गई है। अजीब बात है, मैंने तो बिल्कुल साफ सुना था। इसकी एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ ठीक है,
आखिर में मैं कुछ स्पेशल करूंगा। स्पेशल? लेकिन तुम किसकी एक्टिंग? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, जरा बताओगे? अपना काम ठीक से करो, वरना तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं समझ गया, नैनी बिल्कुल ऐसा ही बोलती है। मैं नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों? वह कुछ खास नहीं होने वाला है। तुम कुछ नहीं समझते, तुम सक्सेस के रास्ते से दूर होते जा रहे हो, समझे? अरे ये एक्टिंग, मेरा सिर घूमने लगता है। प्लीज इतना गुस्सा मत करो, जानता हूँ मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं हो? मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता भी है सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बहुत हो गया। मैं अरे बहुत बढ़िया मसाओ, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। नैनी तुम्हें मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, सच में तुम गुस्सा? नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, तुम अभी नाराज हो, प्लीज मेरा टिफिन खा लो। अच्छा अब मैं घर चलता हूँ, कल मैं टिफिन में।